this is itanagar municipal corporation office i in capacity of mayor along with my standing committee colleagues very very good afternoon to one and all especially the media friends in intro in from my right side श्री किपा ठाकुमजी स्टैंडिंग कमिटी मेंबर इन जी एज वेल चेयरमैन ऑफ वहीकल परचेसिंग कमीटी नेक्स्ट टू ही तादर, सॉरी यामर तुबिन जी हि टू इस कमिटी मेंबर इन वेहीकल कमीटी स्टैंडिंग कमीटी आल्सो इन जी Next to him, right one is Taracha Ji, Finance and Planning Committee member. Extreme right will be Srimati Jamo, Madam. She is also an extending committee me, uh, member. My left side is Lokam Anandji, Finance and Standing. Next to him is Madam Pagyam Yanaji. She is also in a committee, standing committee member. and extreme left one is mr. kipal oramji. so before I say anything, i again welcome one and all, especially the media friends, in a very short notice, uh, you people has gracefully responded, uh, re responded us. now,

म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है 2020 को हमारा दिसंबर को चुनाव हुआ था और हमने 2021 का जनवरी महीना को हम लोग ने यह भागदौड़ संभाला इसलिए कुछ भी बोलने से पहले एकदम सिंपल और सरल शब्द में आपका माध्यम से हम लोग इटानगर का जनता को इन पर्टिकुलर इन स्टेट एज होल और जो भी इस मीडिया ब्रीफिंग को सुन रहे हैं सबको हम लोग बताना चाहता है कि ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बहुत ही एक इन्फेन एक तो जवान एक तो एकदम इन्फेन स्टेज में है अभी अभी हम लोग उभर के आया है ऐसा नहीं कि ये बहुत सेटल डाउन है बहुत स्टाब्लिश है ऐसा नहीं है आप सबको पता है फिर भी हम अपने तरफ से आपको बता रहा हूँ तो जब हम लोगों ने 20 इलेक्टेड मेंबर्स ने इसका दौर संभाला आपको हम जल्दी सूचित कर दूँ सबसे पहले ये 20 इलेक्टेड कॉरपोरेटर्स ने जल्दी जल्दी हम लोग ने जुड़े को देखा आप सबको ये पता होना चाहिए ये ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दो कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़ा हुआ है थर्टीन ईटानगर और फोरटीन दुईमुग कभी कभार कुछ कुछ चीज़ को मालूम नहीं होने से थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाता है ये दोनों कॉन्स्टिटेंसी को मिला के जो ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेसन का जुरिस है उनमें जुड़ा गया है वह आपको बंदर द्वारा से ले कर यहाँ चिंपू तक है वह अपना जुरिश है अर्बन एरिया का वैसे इस दो कॉन्स्टिट्यूंसी में आप सबको बता दूँ रूरल एरिया भी शामिल है उसका हम लोग कुछ चर्चा और टिप्पणी नहीं करेंगे तो मीडिया बंधुओं भागदौर हम लोग संभाला है तो सबसे पहले तो हम लोग ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में क्या काम हुआ है पहला अभी क्या काम करना है और क्या चीज है क्या रुखा हुआ है उन, वो काम को हम लोगों ने देखा है तो आप सबको पता है इटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पहला जो नेता लोग था हम किसी को निंदा नहीं करेगा किसी को गलत नहीं बोलेगा उन्होंने भी काम किया है अपना मतलब काम किया अपना दायरे में किया होगा लेकिन हम लोग आने के बाद सबसे पहले हम लोग जितना ऑन गोइंग स्कीम्स है उसको हम लोग देखा ऑन गोइंग स्कीम मत आप लोग समझना है हम क्लियर हर बात को थोड़ा थोड़ा बिंदु छू के जाएगा ऑन गोइंग मतलब फोर्टीन फाइनेंस कमीशन जो यहाँ बहुत चर्चा में चर्चित है अभी आप लोगों को मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ जो हमारा यहाँ में कुछ चर्चा चल रहा है वैसे आप लोगों को मैं खुला 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 शब्द में मैं वेलकम करता हूँ कि डेमोक्रेसी में जब भी फोर्ट पिलर इन्वॉल्व होता है छोटा स्तंभ जब तक इन्वॉल्व होता है वो अच्छा बात होता है आप लोगों का कोई भी दखल अंदाज़ा हो आप लोगों का कोई भी पब्लिसिटी जो है जनता के लिए काम आता है समाज के लिए काम आता है इसलिए मीडिया को फोर्थ पिलर माना जाता है हम तो पर्टिकुलरली इन पर्सन हम आप लोगों को तहे दिल से हमेशा मीडिया को वेलकम करता है सही हो गलत हो आप लोग बताने से तो हम लोगों को पता चलता है समाज को पता चलता है ऐसा करके आपका दरमियान जो अभी चर्चा चल रहा था फोर्टीन फाइनेंस का मैं बता दूँ टू से लेकर टू तक इसका टाइमिंग खत्म होता है और हम लोगों का टाइमिंग शुरू होता है 2020 से लेके 2025 तक इसको 15 फाइनेंस माना जाता है ये एकदम आप लोगों को भी मेरा जवान जो मेडा बंधु है आप लोगों को भी एकदम क्लियरिटी एक तो होना है हम लोगों का टेन्यूर जो है फिफ्टीन फाइनेंस का टेन्यूर है क्योंकि ये बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड है इसलिए कोई जूत नहीं बोल सकता आप लोग खुला का घर से आप लोग क्लियरली छानबीन तहत अंदर तक छानबीन कर सकता है ऐसे करके हम लोग जो है फोर्टीन फाइनेंस और फिफ्टीन फाइनेंस का के हम लोगों ने काम किया यहाँ हम लोग सबसे पहला पाया तो क्या पाया यहाँ में हमारा एबेटर हाउस है जहाँ मिथुन मीट को गाय मीट हो मितुन मीट हो बकरी मीट हो जो भी हो हमारा पोर्क है सबको जो स्लाइसिंग करता है उसको हम लोग एबेटर हाउस बोलता है स्लैक्टर हाउस भी बोलता है सिंपल वर्ड में जहाँ मीट खाता है अब देखता होगा वो ग्रीन करके बिल्डिंग आगे में है जो हमारा गर्बेज डंपिंग साइट के आगे में वो हाफ दान है आडा उसको अभी हम लोग खत्म करके 99 परसेंट में आ गया ये बेहतर हाउस ये पायलट प्रोजेक्ट था यूपीए का गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में पेमा कांदु जी का नेतृत्व में अभी जाके वो लोग का इंटरवेंशन होने के बाद मोदी जी का पेमा कांदु जी का मेन जी का इंटरवेंशन से वो अभी बिल्कुल ही अपना फाइनल स्टेज में पहुंच गया एबेथर हाउस का दूसरा जो है अमृतवान में जो आता है नाहर लगन में आप लोग बहुत मीडिया वाला तो मेरा साथ बहुत चक्कर भी लगाया ये सेवरेज ट्रीटमेंट प्लान इसमें दो है नाहर लगन प्लेन प्लेन ने इसलिए वहाँ सेवरेज ट्रीटमेंट प्लान बनाया जहाँ दूषित पानी को हम लोग क्यों वो काम किया बोलने से ये सारा शहर में आप लोगों को हम बार बार बताता है सर्वेक्षण करने के लिए हर सिटी में सेवरेज ट्रीटमेंट प्लान और सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लान होना मैंडेटरी है और यहाँ में हम एकदम खुला कागज़ आपको बता देगा आज सिक्रेट का बात यहाँ में जो हमारा म्यूनिसिपल को हमारा ये कुछ लोग ने जैसे मिस टकम दिरंग ऐसे ऐसे दो तीन लोग ने हम लोगों को केस दिया है वो अच्छा मोटिव से केस दिया उसको आप लोग निगेटिव में ना ले केस इसलिए दिया कि यह पानी क्यों दूषित होता है या एरिया क्यों माने गंदा होता है ये वातावरण को पोल्यूटेड क्यों होता है बोल के केस दिया इस केस देने का वजह से एन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन्वॉल्व होके देखिए आप फॉरेस्ट कारपोरेशन जो ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ऑफिशियल है इसलिए आप लोगों को मैं ऑफिशियल बता रहा हूँ जो जो मैं एन जी एन जी टी को मैं चू रहा हूँ जैसे एबेतर हाउस चू रहा हूँ सेवरेज सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लान यहाँ में बस्ती का जैसे कोई कोई लीडर लोग कुछ लोग आके बोलने से नहीं होगा ये टेक्निकल सारा टेक्निकल इन्वॉल्व है यहाँ में आप सबको पता ही है ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है एक तो लॉ से एक कानून है हमारा जिसको हम सरकार ने लेजिस पहले कैबिनेट मीटिंग किया उसका बाद लेजिस्लेशन करके गेजेटेड ऑर्डर पास किया तब हमारा एक्ट बन के आया एक्ट हम स्टेट का आरआर में नहीं घुसता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसका एक अपना इंडिपेंडेंट एक्ट है जिस एक्ट का हिसाब से हम चलता है ये भी एकदम क्लियर होना है दोस्तों इंडिया में बहुत म्यूनिसपल कॉरपोरेशन है जहां में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंसर्न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिस टू बी नोटेड वेरी क्लियरली माय फ्रेंड्स कंसर्न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसर्न मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कंसर्न एम लोग और कंसर्न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग जो है एक्स ऑफिशियल मेंबर होता है यह बात आप लोग एकदम पहला एक क्लियरिटी लेना है लेकिन हमारा एक्ट के मुताबिक हमारा यहाँ में हमारा जो कंसर्न एमपी है हमारा जो कंसर्न एमएलए है वो जो है यहाँ एक्स ऑफिशियल मेंबर में वो हमारा एक्ट में शामिल नहीं है वो एक्स गाइड हमारा एक्ट जो गाइड करता है वो हमारा बनाया हुआ नहीं है ये हमारा एमएलए लोग असेंबली में पारित करके तब गेजेटेड ऑर्डर निकलता है एक चीज़ क्लियर होना है देखिए अभी सारा दुनिया में इशू बहुत हो रहा है ये इशू वो इशू बहुत हो रहा है हमारे स्टेट में भी अभी बर्निंग इशू बहुत है किसी एक को जब पास करता है तब कोई ना कोई एमएलए शामिल होता है वो एमएलए एल लोग सिक्सटी एम एल वहाँ बैठ के वो एक बनाया हुआ होता है अभी जितना घूम फिर के बोलने से भी उस एक्ट को हम 2010 को पास किया वो 2015 का एक्ट है कौन कौन उसमें एम था कौन कौन उसमें कॉरपोरेटर था देखना पड़ता है ये बहुत लॉजिक बात है दोस्तों कभी कभी ये बात नहीं समझने से पीछे में आके झगड़ा करते रहता है लड़ाई करते रहता है मिसअंडरस्टैंडिंग होता है ये गलत बात है इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा था हमने एवेटर हाउस को सेप्टिक सेवरेज ट्रीटमेंट प्लान को और सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लान मेरा यहाँ में है वो अभी अपना कमिश्नर उस दिन आया है वो अभी कमिश्नर का हाथों से कमिश्नर यू यू एल बी को हम लोग अभी रिक्वेस्ट करने जाएगा ये 15 अगस्त के बाद मिनिस्टर से बैठ करके उसको हम लोग इनोग्रेशन कराएगा सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लान मतलब ओनली इन ईटानगर नॉट इन नाहरलगन इटानगर का जितना भी टॉयलेट्स है जितना भी सेक्टर वाइस में जो अपना सेप्टिक टैंक्स है वो सब में जाके काम करके फिनिशिंग इधर होगा जो सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लान बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला है उसके बाद हम लोगों का इशू होता है सैनिटेशन ड्राइव करना सैनिटेशन ड्राइव करने के लिए क्या करना है हम लोग को गारवेज उठाना है हम लोग का प्रिंसिपल ड्यूटी है हम लोग का गार्वेज उठाना है गार्बेज उतारने के लिए क्या क्या चाहिए आपको पता है सबसे नंबर वन तो मेन पावर चाहिए हम लोगों को पास मेन पावर टेक्निकली नहीं है अभी हमारा पास दूसरा जो है मशीनरी पावर चाहिए गाड़ी ध्यान से सुनिए अभी आपको हम लाइन में आ रहा है सैनिटेशन ड्राइव करने के लिए उसको सक्सेसफुली ऑपरेशनल दिखाने के लिए मेन पावर चाहिए गाड़ी चाहिए तब जाके कचरा साफ होगा हम लोग जब इटानगर का बाग दौर संभाला है आप सब भी गवाह है इटानगर में गाड़ी नहीं था पांच से छह गाड़ी था जो चलने का लायक था और वो गाड़ी कहाँ रहता था आप लोग मालूम है आईएमसी आईएमसी जो पीछे में लिखा हुआ था हम झूठ बोलने नहीं जानता शिदाबाद इटानगर और नहरलगन का जो बड़ा बड़ा टर्निंग है ना वहां हमेशा सब गाड़ी खड़ा होता था दोस्तों आपका माध्यम से हमें क्लियर बताना चाहता है शुरुआत कहां से हुआ अप? जानना जरूरी है क्योंकि हम इसलिए गार्बेज का इशू में आपको गाड़ी को रिलेट कर रहे हैं बिना गाड़ी में गार्बेज उठेगा नहीं है। हम लोग जब दौर संभाला है कुछ कुछ चार पांच गाड़ी सिर्फ चलने का लायक था वो भी ईटानगर से नहर लगन का बीच में गाड़ी खड़ा होता था इसमें कोई झूठ का बात नहीं है दोराई नहीं है आप पता है वहां में होता क्या था हम किसी जाति को किसी ग्रुप को हम बदनाम नहीं करेगा गाड़ी रात में खड़ा होता है तो बैटरी गायब हो जाता है पार्ट्स गायब हो जाता है कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है इटानगर का कचरा को तो साफ करना ही है कचरा को खाली फोटो मारने से नहीं होगा दोस्तों नीचे से निकलना है कैसे कचरा जाएगा वो देखना पड़ता है तब तो हम लोग ने बाग दौर संभालने का हम लोग बोला है, नहीं गाड़ी को तो है नहीं है अलग बात है हम लोग गाड़ी का गरेज चाहिए सबसे पहले इटानगर का एक अलग नाहर लगन का एक अलग मेरा टीम का साथ हम लोग बैठक करके सबसे जल्दी जल्दी हमने दो वर्कशॉप खड़ा किया देखिए ये अपने आप में बड़ी बात है अगर आप लोग एप्रिशिएट करें नहीं होने से कुछ काम नहीं है मानो तो मैं धरती अपना भगवान होंग ना मानो तो मैं पत्थर वाला बात ये है हम लोग ने जल्दी जल्दी बैठक करके नाहर लगन में एक हम लोग बनाया वर्कशॉप इटानगर में एक शॉप बनाया जो हाल ही में वीडियो में धमाधम आ रहा है अच्छा बात है दिस इज माई क्रिएटेड दिस इज आवर्स आवर्स इफोर्ट ट्वेंटी में बनाने का बाद हम क्यों इतना आप लोग को स्ट्रॉन्गली फिलीत कर रहे हैं वो बनाने का बाद हम लोग गाड़ी को वहां में जमा करता है क्योंकि कचरा बुकने वाला गाड़ी जो एक दो दिन में खराब होते रहता है आप सबको पता है स्पेशली सामर मानसून सीजन में बहुत तकलीफ है अपना एक तो वर्कशॉप होने का बाद कम से कम पैसा दरमा देने के लिए नहीं होने से भी एक दो टू हम ये रखा है अपना हेल्पर रखा है एक अपना वो मैकेनिक रखा है अब लोग देखा होगा जैसे तैसे करके छुटपुट जो छोटा छोटा मैकेनिक करता है पहले वो टर्निंग में राम भरोसा होता था इटानगर नाहर लगन टर्निंग में ये भी सोचने वाला बात है ऐसा करके हम लोग ने इटानगर का एक बनाया नाहर लगन का हम लोग अभी करसिंगसा में बना रहे परमानेंट साइट लेकिन टेम्पररी हम लोग आई में किया उसका भी फोटो बीच में देखा था वो सरकारी है लेकिन क्योंकि सबसे बड़ा बात है ईटानगर का कचरा साफ करना है सरकार कभी कभी डिपार्टमेंट रुक जाए नहीं रुक जाए कचरा किसी से रुकता नहीं है आप लोग जो आज आया आप लोग सबके घर से भी कचरा निकलता होगा आप लोग मना नहीं कर सकते इसलिए ये बहुत बड़ी बात है लेकिन आप पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव है नहीं तो दुनिया निगेटिव है तो ये कचरा को धोने के लिए गाड़ी सबसे ओके होना है पहले गाड़ी ओके okay होने के लिए आपका ड्राइवर अवेलेबल होने से भी गाड़ी नहीं होने से होगा नहीं क्योंकि बाकी गाड़ी कचरा नहीं बुकेगा आप लोग क्लियर बात है किसी का भी गाड़ी भाड़ा ले क्या बुकना है बोलेगा कचरा बुकना है आज भारा लेगा बोलने से सॉरी बाबा कचरा तो नहीं बुकेगा बोलते हैं सामान बुकेगा कचरा नहीं बुकेगा ये इशू है कचरा का गार्बेज का इसीलिए हम लोगों ने क्या किया नाहर लगन में तो क्रिएट किया इटनगर में एक तो क्रिएट किया यह भी बड़ा उपलब्धि है मेरा मानना है आप लोग भी शायद क्या बोलेगा पता नहीं तब जाके दो वर्कशॉप खड़ा हुआ वर्कशॉप होने का बाद हम लोग काम करने शुरू किया हम लोग ट्वेंटी गाड़ी यहाँ है ट्रक्स अभी आपको डिटेल हम बताने जा रहा है ये था हम लोगों का क्रिएशन ऑफ गैरेस जहाँ से हम लोग कंट्रोलिंग किया तब हम लोग अपना ग्रानिन एट में गया ग्रानी एट में गया तो ये तो आपका इतना बड़ा मात्रा में आज मीडिया वाला आया सरकार भी आज खोल के सुनेगा मुझे पता है मुझे संज्ञान है देखिए गाड़ी घोड़ा सब हो गया काम करने वाला भी कॉरपोरेटर लोग पूरा स्ट्रॉन्ग है ट्वेंटी कॉरपोरेटर्स मेरा ये तो खाली स्टैंडिंग कमेटी मेंबर से कैबिनेट रैंक वाला है बाकी सब कॉरपोरेटर लोग भी काम करने वाला है लेकिन मेन पावर चाहिए मेन पावर चाहने के लिए रिसोर्स चाहिए रिसोर्स जो है दो करोड़ पचास लाख मिलता था हम लोगों को ये नोट करना पड़ेगा आप लोगों को सेवेंटी टू लैक्स जाता था पसीघाट हम लोगों को वन लेख वन करोड़ सेवेंटी एट लेख्स मिलता था खाली एनुअली एक साल को एक साल का हमारा ग्राम है दो करोड़ भी नहीं है वन लाख सेवेंटी एट उस वन लाख सेवेंटी एट से हमको गाड़ी मेंटेनेंस करना है हमको तेल डालना है हमको ड्राइवर का पेमेंट करना है हमको गार्बेज का जो लिफ्टर का पेमेंट करना है सारा जो ऑफिस भी चलाना है वो था हमारा धनराशि जो सरकार हम लोगों को देता था बाकी सेंटर से तो हम लोगों को नहीं देता है ये ऑफिस चलने के लिए लेकिन एक कुछ खुशखबरी आप लोगों को बता दूं पेमा कांडू जी का ब्लेसिंग से चोना मेन सार का ब्लेसिंग से अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज होके आया हम लोगों को अभी यूएलबी को टेन करोड़ देता है स्टेट घराने ये भी अपना आप में बहुत अच्छा बात है आज भी यहाँ से हम पेमा का चोना मेन सर को और हमारा मंत्री को हम लोग यहाँ से अपना आभारी व्यक्त करूंगा हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देगा थैंक यू सो मच की आप लोग ढाई करोड़ को ले जाके दस करोड़ तक पहुंचा दिया ट्वेंटी फाइव परसेंट पसीगा जाता है सेवन करोड़ एंड फिफ्टी लेक्स अभी आया ही हाल ही में अभी पहुँचा है अभी शुरू है ये फंड का खर्चा करना शुरू हो रहा है ये ही है इटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का असली चेहरा ये था प्रॉब्लम हम लोग जब 2021 को शुरू हुआ अभी 2024 को सीएम सर ने हम लोगों को क्या मेहरबानी किया तब जाके आप लोगों का बाकी हिसाब किताब बैठता है उसका बाद हम लोगों ने जाके यहाँ पूरा क्लियर कट वर्कआउट किया सात करोड़ पचास लाख का अंदर में अभी अपना अभी आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताने है। आज तो पूरा खोल के हम बोलेंगे हमारा पास यहाँ पहले काउंसिलर का समय में हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स यूडी डिपार्टमेंट से हमारा मेन पावर है उसमें आप लोगों को आश्चर्यचकित होना नहीं चाहिए 74 इयर्स वाला 72 टू ईयर्स वाला भी लिफतार बोर्ड है उसका बाद 59 60 इयर्स प्लस वाला तो बहुत ही है इसको हम लोग सरकार को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप यूडी में वापस ले जाइए रिप्रत करिए हमारा कचरा जो है नाम का स्तर रखने से उठा नहीं जा रहा है पब्लिक गाली देता है गंदगी को उतारने के लिए हम लोगों को माने फ्रेश लिफ्टर चाहिए ये खुद को अभी लिफ्ट कर नहीं पा रहा है सत्तर साल माला, 74 वाला सेवनटी फोर ईयर्स वाला सिक्सटी फाइव ईयर्स वाला बेचारा खुद को नहीं उतार वो भी लेडी ज़्यादा है अभी क्या कचरा उठाएगा वो हम लोगों का रोना है इसलिए हम लोग वन को ले जाओ बोलने से ईटानगर म्यूनिसिपल में जीरो मैन पावर है जीरो हम लोगों को सब्जेक्ट दिया हुआ है ओनली तार नाचुंग साहब ने कल परसों कोई मीडिया में हमने देखा था उन्होंने जो जिक्र किया वो हंड्रेड परसेंट सही है सही को सही बोलना पड़ेगा यहाँ में हम लोग का इधर में क्योंकि वो पहला दूसरा बार भी चुना चुन के आया था इसलिए उसको आइडिया था अभी हमारा यहाँ में डेथ सर्टिफिकेट जन्म से लेके मरण तक हमारा यहाँ होता है बर्थ सर्टिफिकेट से लेके डेथ सर्टिफिकेट बीच में ट्रेडिंग लाइसेंस को हम लोग को रिस्पॉन्सिबल दिया हुआ है सब्जेक्ट सरकार को सरकार ने दिया हुआ है लेकिन हमारा पास मेन पावर नहीं है मीडिया दोस्तों इसलिए सरकार को हम लोग सर को सीएम सर को मिला है वो फुल इंटरेस्ट दे रहा है डीसीएम सर दोनों आश्वासन दिया बहुत ही जल्दी हम लोगों को मेन पावर देंगे हम लोगों को या सर्विस क्रिएट करके देगा बोला अभी तक हम लोगों को पास नहीं है जो है वो टेन थाउजेंड ही सैलरी मिलता है जो सुबह नाइन थर्टी टेन आ के जो पाँच बजे छुट्टी होके जाता है उसको सिर्फ दस हज़ार है ग्रान इन से सिर्फ दस हज़ार देता है और वो ग्राने एट भी तीन महीना चार महीना में एक बार मिलता है पेमेंट फिर आप लोग बोलेगा मेयर साहब पेमेंट नहीं देने मेरा हाथ का नहीं है कोई कोई ऐसा है जो मेरा हाथ में नहीं है क्योंकि स्टेट में एक सिस्टम है वो जो अपना जो पेमेंट में स्किल अनस्किल का कुछ सिस्टम है वो जो है अपना स्किल अर्न स्किल में तीन तीन महीना में ही वहां से पेमेंट रेगुलेट होता है अब लोग कोई कोई सीनियर जर्नलिस्ट को मालूम होगा कभी कभार ऑब्जर्वेशन आ जाने से चार पांच महीना भी चला जाता है लेकिन वो नीचे में बहुत तकलीफ होता है एक तो दस हजार दरमा और तीन चार महीना पेंडिंग हो जाता है हम लोग भी बहुत रोना रोता है खून का आंसू होता है हमारा के लिए लेकिन लाचार है इसको सोलूशन जो है आगे करेंगे हमारा सीएम सर ने बोला है और ये पेमा जी का नेतृत्व में ही होगा हम लोग का पूरा विश्वास है बस यही था आप आप लोगों लोगों तो लोगों को मेरा बताना यही था कि हम लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आज तक ऐसे करके चल रहा है सबसे पहला बात आप लोगों को हम उस दिन एक मीडिया पार्टी को भी बोला हम बीजेपी पार्टी से आता है अपना पार्टी को बताने का नहीं झिझकना है हम लोग का पार्टी में आता है तीन केस है कार्यकर्ता कार्यक्रम कार्यालय कार्यकर्ता तो हम हो गया जो बीजेपी का है और अपना कार्यक्रम तो होता है हम क्या करेगा काम और कार्यालय हो गया ऑफिस सबसे नंबर वन ये कार्यालय होना है ऑफिस पहले खड़ा होना है उसका बाद कार्यकर्ता ऑफिस में बैठ के कार्यक्रम करना है यह हमारा सिद्धांत है हमारा प्रिंसिपल है इतफाक से आप सबको पता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पास अपना ऑफिस नहीं था जैसे भी किया हो जुगर जहाँ से भी हो जहाँ आज आप लोग बैठा है कोई आज है हम लोग कल नहीं है वो अलग बात है लेकिन ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये परमानेंट है ये कोई बारह का घर नहीं है ये भी एक उपलब्धि मैं मानता हूँ क्योंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ऑफिस में ऐसो आराम के लिए मेयर के लिए डिप्टी मेयर कॉरपोरेटर के लिए नहीं ये ऐसे घर बनाया जिस घर से बेच के इटानगर को कैटरिंग करने के लिए यहाँ का जो समस्या है मार्केट से लेके कचरा से लेके सबको सब को सर्विस देने के लिए केतरिंग करने के लिए ऑफ़िस चाहिए इसके लिए ये ऑफिस रखा है ये बात नहीं कि हम लोगों को आसानों से ऐसो आराम के लिए नहीं है दोस्तों इसीलिए ये भी हम लोग एक उपलब्धि मानता है बाकी आप लोगों को हम इन एक दो बिंदु को आप लोगों को हम जवाब देने जा रहे हैं हमने कहीं सोशल मीडिया में कोई चैनल में हमको बताया गया कि है कि यहाँ में गाड़ी है क्यों यूज़ नहीं होता है हम आप लोगों को बता रहे हैं गाड़ी है हम लोगों के पास फन नहीं है देखिए फ़न आप लोगों को हम क्लियर बताया टू थाउजेंड से ट्वेंटी तक का फोर्टीन फाइनेंस फिफ्टीन फाइनेंस उसका बाद हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट का मेहरबानी से ट्वेल्व करोड़ ट्वेल्व करोड़ हम लोगों को वन टाइम फंडिंग किया बी से बी ई से वन टाइम फंडिंग करने का बाद ये ट्वेल्व करोड़ को हम लोग जो है यहाँ से कंपोनेंट भेजो बोला भेजा हम लोग स्ट्रीट स्वीपिंग मशीन को हम लोग एक गाड़ी भेजा है ट्रांसपोर्टेशन न्यू गारबेज रिफ्यूज कंपेक्टर ट्रैक्टर बैक टू बैक सिक्स का है कैपेसिटी बिल्डिंग में पंद्रह लाख है आई ई इंफॉर्मेशन में बाईस लाख है यहाँ में इंसुलेटर लगाने के लिए पचास लाख किया है और क्लियरेंस ऑफ पेंडिंग बिल्स थर्टी एट लेक्स है मेन पावर अभी जैसे बता दिया 204 आदमी जो गार्बेज जो हम लोग मैनेज किया हुआ हम लोग क्रिएट किया कंपोनेंट ये सरकार का अभी तक हुआ नहीं है इसलिए वो जो है ड्राइवर पियोन सियोन सब उसमें शामिल है उसका मेन पावर के लिए टू जीरो .20 है हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर के लिए 19 है पोल एंड मेंटेनेंस ऑफ न्यू 27 सेवन के लिए अपना 133 है ये है आप लोगों का ट्वेल्थ सीयर का कंपोनेंट ये वन टाइम ग्रान है बी ई का अच्छा वन टाइम ग्रान हो जो भी हो हम लोगों ने ट्रैक्टर इसलिए खरीदा अभी आपका कुछ जो इंक्वायरीज था हम उसको इंक्वायरी मांगता है हमको ब्लेम नहीं किया और हम कहीं भी नहीं बोल रहे कि म्यूनिसिपल को किसी सोशल मीडिया वाला ने कोई चैनल ने ब्लेम किया ये एकदम हम क्लियर कर रहे हैं हमको लगता नहीं है कोई ब्लेम नहीं किया हमको जागरूति किया है हम लोग को बताने का मौका दिया हम एक्चुअली थैंक्स देता है जो हमारा इधर में, 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 में अपना मीडिया वाला आता है आना चाहिए इंक्वायरी करना चाहिए नहीं तो कैसे पता चलेगा उस इंक्वायरी में जो आया ट्रैक्टर गाड़ी को सबसे पहले पूछना चाहिए था ट्रैक्टर हम चलाया था वो ऐसा है जब मेरा मार्केट नहीं जल गया था वार्ड नंबर सेवन में जलने से पहले सबसे बड़ा लोकल मार्केट जो नाहर लगन वाला था आप लोग भी मालूम होगा बच्चा बच्चा मालूम है उसको वहां में जब ये सगाली वेटिंग पॉइंट बोलता है उसको कोई कोई मालूम होगा नहर वाला नहर आदमी सगाली वेटिंग पॉइंट बोल के आदा मुरा कचरा वो पुलिस पॉइंट का उधर में ना वो नाहर लगन का जो मार्केट जल गया वाला में अभी तो नीचे शिफ्ट किया टेम्पररी वहाँ में इतना कचरा और लोग पिकता था जितना हाथ जोरो पाँव जोरो मानता नहीं इसलिए हम लोग यही इलाज सोचा है कि हम लोग सी एम से सी से भी हम लोगों को, को इंस्ट्रक्शन आया कि गंगा जैसे जहाँ रेंडमली पत्ता सब्जी तो सेग्रीगेट करते रहता है बस्ती वाला गरीब लोग पत्ता सब्जी बेचना है सगाली से आता है सेपा से आता है पालिंग से आता है तो रेंडमली 24 घंटा पिकते रहता है तो हम लोग ने ट्रैक्टर गाड़ी को टेलर को खड़ा कर दिया ये पॉलिसी हम लोग लगाया पब्लिक का हित के लिए कि यहाँ ज़्यादा वो रास्ता से हाईवे से गुजरने नहीं सकता था इतना दुर्गन होता था उस समय देखिए काम को काम बताना पड़ेगा आप लोग माइंड नहीं करना है आदमी गुजर नहीं सकता था इतना गन आता था उसमें लितरीली लेकिन हम लोग ट्रैक्टर को खड़ा करने के बाद ट्रैक्टर में फेंकता है हम लोग टो करके ले जाता है तब वहाँ का गंदगी कम हुआ और ये गंगा मार्केट का गंदगी कम हुआ इसलिए हम लोग ट्रैक्टर का कंसेप्ट लगाया क्योंकि ट्रैक्टर में खर्चा कम है तेल कम खाता है काम ज्यादा होता है जहाँ में तेल ज्यादा कम ज्यादा करता है तो हम लोगों का एक इशू आ गया ऑनरेबल पेमा खंडू जी का मेहरबानी से और मोदी जी का मेहरबानी से अरुणाचल जैसे जगह को जी ट्वेंटी का मीटिंग के लिए सेलेक्ट किया आप सब इस बात को सब आप लोग जानता है तब हमारा आउट गोइंग चीफ सेक्रेटरी सर ने बोला देखो जी ट्वेंटी प्रोग्राम यहाँ होने जा रहा है प्राइम मिनिस्टर आएगा कभी कभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आएगा आया भी था वेंकैया नायडू जी मैंने अपना अपना ये कर दिया था उसको ड्यूटी कर दिया था और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आते रहता है दो मरतबा आया भी है उसके लिए हर सिटी में हर जगह में अलग अलग अरेंजमेंट होता है तो हमारा जो फॉर्मर चीफ सक्रेट्री सर ने बोला है कि हम लोग को आदेश दिया कि आप लोगों को जब बीबीपीआई आएगा जब जी ट्वेंटी होगा ऐसे के लिए इम्पोर्टेंट एकदम जब बड़ा प्रोग्राम होगा तब के लिए आपको कंपेक्टर गाड़ी खरीदना है और स्वीपिंग स्वीपिंग वाला गाड़ी खरीदना है मशीन वाला रूटीन वर्क के लिए ट्रैक्टर होता है ट्रक होता है अलग अलग गाड़ी होता है और दोस्तों रूटीन वर्क का है बट स्पेशल ड्यूटी के लिए ये जो स्वीपिंग मशीन जो है एकदम से अपना कम उसको एक दो घंटा से ज़्यादा करने नहीं सकेगा और प्राइम मिनिस्टर जहाँ आएगा प्रेसिडेंट जहाँ आएगा जैसे वो गोम्पा में जाएगा मोनेस्ट्री में जैसे आपका नियर बाय में अपना म्यूजियम में जाएगा बोलने से पर्टिकुलर जगह को हम लोग साफ कर सकता है नए होने से वो ऐसे अपना अगर ये वाइट जैसे साफ़ करने के लिए सारा ईटानगर को साफ करने के लिए किसी का गवर्नमेंट का ताकत नहीं है इतना पैसा नहीं है वो इतना तेल कंजम्पशन वहाँ में होता है और वहाँ में इतना खर्चा होता है वो बहुत कॉस्टली है कॉस्टली इसलिए है जब चीफ सेक्रेटरी ने आदेश दिया हमारा कमिश्नर ने लिखा ताजी साहब ने उनको ऑर्डर दिया गाड़ी आया है इसमें भी दोबारा हम तारनाचुंग साहब का नाम ले रहा है टाटा मोटर से हम लोग गाड़ी लिया सिर्फ गाड़ी टाटा मोटर से आता है उसमें कोई गड़बड़ करने का जगह नहीं है ट्रक का दाम ट्रक का दाम ही आएगा चेचीज लेकिन उसको कस्टमाइज़ किया अपना गजियाबाद में कस्टमाइज़ करता है वो अलग से उसको बनाना पड़ता है मशीन बना के हमारा कमिश्नर लोग ने तब चीफ सेक्रेटरी साहब का ऑफिस से आदेश दे के वहाँ से कस्टमाइज़ करके दो गाड़ी लाया हुआ उसमें दूर दूर तक हम लोगों का कुछ भी रीच नहीं है अब जितना भी ताकत लगा लो कुछ मिलेगा नहीं है क्योंकि हमारा इन्वॉल्वमेंट मेनवा नहीं है एक तो गाड़ी कंपनी से चेची दे देता है और कस्टमाइज करता है पहुंच जाता है हाँ ड्यूटी ड्यूटी लगाने के लिए हम लोग लगाना है जब बीबीपीआई बी, -बी पी होगा जब बहुत बड़ा नेता आ रहा होगा जब जी ट्वेंटी हो रहा होगा तब यूज़ कर सकता है बाकी समय में इसको यूज़ अभी भी आप बोलिए कितना बारिश होता है सुबह जारू मारेगा तो शाम को तो बारिश होगा फिर शाम को मारेगा ऐसा नहीं हो सकता है अब सड़क तो छोड़ दीजिए घर में भी नहीं मार सकता है सच्चाई के साथ भी तो हम लोगों को जीना है वाय वाई बोलने से मीडिया दोस्तों हम लोग दिल्ली मुंबई को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते आप लोग देखिए ये मीडिया दोस्त भी पूरा अरुणाचल का पता चलता है हमको इसलिए हम लोग ज़मीनी सच्चाई का साथ चलने से पी एम हो गया अलग अलग फंडिंग हो गया सारा सरकार सारा गवर्नमेंट में एक ही यूनिफॉर्म पेमेंट होता है यह बात को भी मीडिया मीडिया वाला जानना है एक किलोमीटर में पी एम में पाँच लाख रुपया देता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनिफॉर्मली सब देता था हमारा अरुणाचल में पाँच लाख में पाँच इंच भी काम नहीं होगा पत्थर का काम क्योंकि इतना पारा इतना पत्थर रोकी है लेकिन इसको एडजस्ट करता है अरुणाचल में जुगाड़ करता है अभी हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए बोलता है हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए अरुणाचल को विकसित भारत हमको भी बनना है कैसे करके विकसित भारत होगा हर बस्ती में बिजली होना है गाड़ी होना है स्कूल अच्छा होना है हॉस्पिटल अच्छा होना है तब तो जाके डेवलपमेंट माना जाएगा नहीं तो कहाँ का ये टीवी वो टीवी अव टीवी कहीं कहीं से आके तो वो तो बराबर एंगल से देखेगा लेकिन हमारा एक स्कूल बस्ती में खुलेगा जहाँ में पचास घर है सर पचास घर भी हम ज़्यादा बोल रहे हैं कोई कोई बस्ती में हमारा निची एरिया में देखो दस पंद्रह घर रहे सर इसको आप लोग काइंडली सुनना पड़ेगा विकसित भारत बोलने से दस घर है लेकिन वह में स्कूल बुलाने से बनाने से कितना बच्चा आएगा एट द मोस्ट पाँच बच्चा पांच बच्चा का जब स्कूल बनाएगा तो बिल्डिंग अच्छा चाहिए मांगेगा शौचालय चाहिए मांगेगा टीचर चाहिए मांगेगा बिजली चाहिए पानी चाहिए लेकिन होगा नहीं है इतना दूर दूर में फिर डेवलप होने के लिए इसीलिए अरुणाचल में कोई कोई सिस्टम को क्लस्टर में किया इसका सोल्यूशन हम लोग ये किया कि छोटा 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 गाँव को मिला के स्कीम को भी क्लस्टर सिस्टम में करो कंबाइन करके स्कूल में भी जाओ जाके जहाँ हम अच्छा एजुकेशन दे सके ये कुछ कुछ बिंदु को हर कोई समझेगा ना तब आर्गूमेंट खत्म होगा ऐसे नहीं हो नहीं मेरा असम में ऐसा है मेरा यूपी में ऐसा है मेरा बिहार में ऐसा है वो इजी नहीं है दोस्तों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी सेम बात है हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है यूपी का है दिल्ली का है मुंबई का है वहाँ में तीन लाख करोड़ दो लाख करोड़ का बजट बनता है ये ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आपको अभी हम जहाँ से फंडिंग हुआ पूरा बता दे रहे हैं यहाँ बिल्कुल ही स्टेट का जो ग्रांड एड वही है सेंट्रल का जो ग्रांड एड आता है वो अलग से नहीं आता है वो जो है हमारा 15 फाइनेंस कमीशन में 14 फाइनेंस कमीशन में अटका हुआ है इसका क्लियर मैसेज है इसको कोई कॉन्स्पेरेसी करके किसी चीज़ को मिस करके इधर उधर करके बोलने से फायदा नहीं है सो so, फाइनली थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन दोस्तों हम ये बताना चाह रहा था हमारा जो गाड़ी घोड़ा लोग है हमारा जो स्टाफ लोग है कोई नौकरी जैसे बाकी ड्राइवर का पचास सात हजार दरमा है म्यूनिसिपल में किसी का नौकरी नहीं है आपको क्लियर कट बता दूँ जो आदमी सरकारी नौकरी नहीं है आप लोग भी पब्लिक लोग भी गाली देने नहीं सकेगा क्योंकि नौकरी वाला को गाली दो पी डब्लू डी आर डब्लू डी टूरिज्म वो लोग का तो ड्राइवर लोग बाबू लोग वो लोगों को पेमेंट मिलता है फिर वो लोगों का अपना पेंशन का सिक्योरिटी मिलता है उधर बाबू का ही पेमेंट जो 50, 60, 000 है फिफ्टी सिक्सटी थाउजेंड है ड्राइवर का पेमेंट ही सीनियर लोग का फिफ्टी सिक्सटी थाउजेंड है यहाँ में ड्राइवर भी नहीं है बाबू भी नहीं है सब जुगाड़ से चल रहा था जुगाड़ से इसलिए चल रहा था क्योंकि हम लोग का ये इन्फेन स्टेज में है नया है और नया में थोड़ा मोरा बूल चुक कहीं हो जाता है हमने बूल चुक किया नहीं बोल रहा नहीं हो जा हमने नहीं किया लेकिन हम ये बता रहे हैं तो फाइनली यही था कि हमारा ट्वेंटी कॉरपोरेटर ने मिल के हम लोग जो गाड़ी घमारा लिया हमने बता दिया और जो हम लोग ने काम किया वैसे तो बहुत लंबा चौरा है आपका माध्यम से लास्ट में ये एक पॉइंट बोलेगा कचरा का जो मैनेजमेंट हो रहा है हम अभी भी बोल रहे हैं हमारा पास टोल फ्री नंबर है कोई भी फ़ोन नहीं करता ईटानगर आदमी आपका माध्यम से लास्ट में हम क्लियर मैसेज देना चाहता है और हमारा गाड़ी चलता है सुबह पाँच साढ़े पाँच बजे से ले कर से तेन धरती तक चलता है गाड़ी आधा घंटा ऊपर नीचे होता है उस दौरान में हम लोगों को तालो पौतम साहब ने भी हमारा जो डी है ईटानगर का अभी एक सूची जारी किया उन्होंने बोला है कि यहाँ में डंपिंग और ये आइडेंटिफाइड जगह नहीं है आप लोग जो है डोर टू तो डोर कलेक्शन है हमारा ईटानगर का डोर टू तो डोर कलेक्शन है कहीं में गाड़ी छूट जाएगा तो आप लोगों को हम लोग साधन टोल फ्री नंबर रखा है और एक एप्स बना के रखा है हम बारी बारी से बोलते हैं वन जीरो वन आई ये एप्स का जरिए बता दीजिए कि आपका गाड़ी पार हो गया आपको गाड़ी को दोबारा भेजो टोल फ्री में बता दीजिए ऐसा नहीं होने से सुबह छह बजे से लेकर दस बजे का तो हम ले जाता है लेकिन ग्यारह बारह बजे से जो तीन चार बजे तक जो फेंकता है ना उसका इलाज हम लोगों के पास नहीं है क्योंकि इतना अवेलेबल फन नहीं है इतना अवेलेबल गाड़ी नहीं है इतना अवेलेबल ड्राइवर नहीं है जो दिन भर हम उठा सके क्लियर खाट बात बोल रहा है हमको सिर्फ छोटा मोटा ऑब्जेक्शन यह आता है कि ये कचरा अभी छः पैकेट कहाँ से आया फिर ये बैग कहाँ से गिर के रखा है वो रेंडमली रेंडमली जो पिकता है उसका इलाज हम लोगों का पास नहीं है तालबुतम साहब ने दो हज़ार फाइन का अभी घोषित किया है वो देख लीजिए और अभी हम लोग ये तो आप लोग काम का बारे में बता दिया आगे हम लोग आप लोगों से कोई भी सवाल हो बेझिझक आप लोग सवाल करिए और हम फाइनल में ये बता दे रहा है हम बारी बारी से बोल रहे हैं हमको जो भी चैनल आता है मेरा ऑफिस में या हम लोग का इस्टबलिश में घूमता है हम दिल से वो लोगों को वेलकम करता है लेकिन एक बार एक पॉइंट में क्लियर हो जाने का बाद वो काइंडली पब्लिक को भी सही बात को बता दे नहीं होने से कभी कभार ऐसे हो जाता है ना देखिए हमने ये हम तमह पास आप सबको मालूम है हमने 1994 से चुनाव लड़ने शुरू किया मैं स्टूडेंट यूनियन से पब्लिक सेवा करके आया हूँ हमारा कोई इधर बड़ा आके लीडर नहीं बना है हमने कभी भी कोई चुनाव नहीं जीता हम क्लियरली बता रहा है हम आज जो छोटा मोटा जो इज्जत मिला है ये मेरा हार्ड अर्निंग इमेज है मेहनत किया क्योंकि हम झूठ बोलने नहीं जानता है वो साफ सुथरा वोट में बता रहा है तामे पास कभी झूठ बोलने नहीं जानता है सापासपी बोलता है इसलिए हम लीडर जीतने नहीं सकता है इसमें कोई दोहरा ही नहीं है इसलिए हम लोग का ये मेहनत का हम जो तकलीफ करके इधर आया है तकलीफ करके आने वाला को अगर हम गलती कहीं हुआ है तो हम हंड्रेड परसेंट उसको करेक्ट करेंगे लेकिन गलती नहीं हुआ तो काइंडली हम हाथ जोड़ के बोलते हैं मेरा हार्ड अर्निंग इमेज को करेक्टर एसोसिएशन मत करिए हमारा डेमेज मत करिए ऐसे बहुत ज़्यादा होने से हम लोग निची आदमी आजकल भी लोकल रूल है हमको ज़्यादा ज़्यादा ब्लेम गेम करेगा हम लोग तो रूल ऑन द रिकॉर्ड हम बता रहे हैं हम लोग गर्म पानी करेगा बाजी रखेगा ज़्यादा चैलेंज करेगा क्यों इतना झूठ बोल रहा है मेरा अगेंस्ट में गर्म पानी में हाथ डाले वो अच्छा जाँच में नहीं देता है हमने उसको उससे भी हम गुजर के देखा वाला है हम गुस्सा से नहीं बता रहा प्यार से बता रहा है बहुत ज़्यादा गलेम शुदुमरा करेगा बहुत अननेसेसरी अपना कुछ नहीं हो कि बेकार का मतलब किसी को कोई लीडर लोग जो बदनाम कराना चाह रहा है ना ज़्यादा करेगा तो बस गर्म पानी में जाना पड़ेगा सो so, थैंक यू सो मच फॉर अ पेशन हियरिंग हम आप लोगों को फिर से इनवाइट करता है अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए हम लोगों का पास में यहाँ पार्किंग कमेटी का गाड़ी है आ, मेंबर है आ, अपना गाड़ी कमेटी का भी है पार्किंग के बारे में भी एक बात बता लूँ पार्किंग का तो वैसे आप लोग बोला नहीं है लेकिन बता दीजिए एट करोड़ फिफ्टी नाइन लैक्स पार्किंग का पैसा है हमारा पास अभी इसको बहुत मीडिया में हमने सुना है फाइव परसेंट काम हुआ थर्टी परसेंट रिलीज हुआ ये सरासर गलत है हम इसको दावा तो के इसलिए गलत है बोल रहा है। देखिए हम लोग ने चार जगह पार्किंग के लिए एयरमार्क किया एक तो किपा लोरम साहब का जगह में अपना बंदरदुआ में वो जो मेन जगह में, में। दूसरा जो है काली को पुल जहाँ में तो असम्बली किया था क्राइसिस में अपना अपना ये तर अच्छा जी का ये